जेसिंटा थॉमस का सवाल अंग्रेजी में है. आवर कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी डज नॉट मीन थ्री गॉड्स बट वन गॉड इन थ्री पर्सन, फादर, सन एंड द होली घोस्ट. दे आर वन ओनली. यू शुड अंडरस्टैंड इन राइट पर्सपेक्टिव. वाले कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी डज नॉट मीन थ्री गॉड्स बट वन गॉड इन थ्री पर्सन, फादर, सन एंड होली गोस्ट. दे आर वन ओनली. यू शुड अंडरस्टैंड इन द राइट पर्सपेक्टिव. ये सवाल से पता चलता है कि वी डोंट बिलीव इन थ्री गॉड्स बट वन गॉड इन थ्री पर्सन. ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम ईसाई ट्रिनिटी में मानते हैं. ये लफ्ज ट्रिनिटी आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में ट्रिनिटी का कहीं भी जिक्र नहीं है. द वर्ड ट्रिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द बाइबल. ये लव ट्रिनिटी बाइबल में कहीं भी नहीं आता. लेकिन जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ में ट्रिनिटी आता है. कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, वला तकुलू सलासा, मत कहो सलासा, मत कहो ट्रिनिटी, इन तो खैरुल्लकुम, दिस इज टॉप इट बेटर फॉर यू, बंद करो, ये आपके लिए बेहतर होगा. तो कुरान में ट्रिनिटी सलासे का लफ्ज आया है, लेकिन कहा गया है कि मत कहो सलासा, ये गलत है. सलासे का लफ्ज, ट्रिनिटी का लफ्ज और एक बार आया सूरह माईदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 73 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते लकद कफर लजीना कालो इन्नल्लाहा सालिसु सलासा. वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह सलासा है, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ट्रिनिटी है. तो कुरान में ट्रिनिटी का जिक्र है, लेकिन कहा गया है कि जो लोग ये कहते हैं गलत कर रहे, कुफ्र कर रहे हैं. बाइबल में किधर भी ट्रिनिटी का लफ्ज नहीं आया है. एक वर्स है बाइबल में जो ट्रिनिटी के करीब है, वो फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 में, जिसमें लिखा है For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these three are one. ये जो जुमला है फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7, पहला एपिस्टल जॉन का चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 का ट्रिनिटी के सबसे करीब है. लेकिन ये जुमला भी अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, जब आप रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे बाइबल का, revised by 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, 32 sabse bade ahem important biblical scholars ne revise kiya bible ko, backed by 50 different christian ke groups. wo scholars kehte hain ki ye first epistle of john chapter number 5 verse number 7, ye bible mein it is a concoction, it is a fabrication, it is interpolation, ये मिलावट है और बाइबल के बाहर निकाल दिया. तो सबसे करीब जो जुमला था ट्रिनिटी के, वो भी क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने निकाल दिया. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं दावा किया खुदाई का. ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 28 में, मेरे वालिद मेरे से महान है. गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, मेरे वाले सबसे महान है. गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, मैं शैतान को भगाता हूं खुदा की मदद से. आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड. गॉस्पल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल. मैं अल्लाह की मदद से शैतान को भगाता हूं. उनने कभी भी खुदाई का दावा किया ही नहीं. उन्हें क्लियरली कहा है गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर 5 वर्स नंबर 30 में, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से अदल करता हूं और मेरा इंसाफ सही है. वॉट एवर आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर. क्योंकि मैं अपनी रजा से कुछ नहीं कहता हूं, जो अल्लाह की रजा है वो मैं करता हूं. और कोई भी शख्स कहता है कि मैं अल्लाह के हवाले करता हूं अपनी रजा, उसे कहते हैं मुस्लिम. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया. और अगर हम देखते हैं द कैथलिक कैटेकिज्म, द चर्च का होता है कैथलिक कैटेकिज्म,
उसके अंदर कहा गया है अबाउट ट्रिनिटी, द फादर इज अ पर्सन, द सन इज अ पर्सन एंड द होली गोस्ट इज अ पर्सन, देन थ्री पर्सन बट वन पर्सन। जो जुमला लिखे कि हम तीन खुदा ने खुदा में मानते, तीन डिफरेंट पर्सन में, ये कैथोलिक कैटेगरी में द फादर इज अ पर्सन, द सन इज अ पर्सन एंड द होली गोस्ट इज अ पर्सन, बट देन थ्री पर्सन द वन पर्सन। आदमी एक आदमी, दो आदमी, तीन, बट तीन आदमी ने एक आदमी, ये कैसी जबान है? हम एक खुदा तीन आदमियों में, लेकिन तीन ने एक है। जब कोई ईसाई फादर के बारे में सोचता है, उसका एक तसव्वुर होता है जहन में, जिस तरीके से सेंटा क्लॉज बैठा हुआ है फलक के अंदर और उसका फुटस्टूल है अर्थ, ये पृथ्वी उसका फुटस्टूल है, जब फादर के बारे में सोचता है ऐसा तसव्वुर उसके दिमाग में होता है, लाइक सेंटा क्लॉज कायनात में बैठा हुआ है, यूनिवर्स में, विद अर्थ एट द फुटस्टूल। जब वो सोचता है सन, उसके बारे में तसव्वुर आता है अ वेरी हैंडसम मैन, टॉल हैंडसम मैन विथ ब्लू आईज, समवॉट लाइक जेफरी हंटर हु एक्टेड इन द फिल्म द किंग ऑफ किंग्स। जिस तरीके से जेफरी हंटर ने एक्टिंग किया था, एक पिक्चर आई थी ईसा अलैहि सलाम के बारे में, किंग ऑफ किंग्स, गोरा आदमी, टॉल हैंडसम, खूबसूरत, नीली नीली आंखें, उसका तस्वुर है। जब वो सोचता है होली गोस्ट ऑफ स्पिरिट, वो सोचता है जिस तरीके से एक डव, एक परिंदा आया था ईसा अलैहि सलाम के पास व्हेन ही वाज बीइंग बैप्टाइज्ड, या द फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट उसे कहा गया स्पिरिट। उसके तीन तस्वुर, अलग तस्वीर रहते दिमाग में। जब हम पूछेंगे आप जब ट्रिनिटी के बारे में सोचते आपके कितने तस्वीर है, कितना तस्वुर आपके दिमाग में, तो वो कहेगा एक, वो झूठ बोल रहा है। तीन अलायदा अलायदा, अलग, डिफरेंट डिफरेंट तस्वुर है। जब फादर का सोचता है ही हैज अ डिफरेंट पिक्चर, व्हेन ही थिंक्स अबाउट द सन ही हैज अ डिफरेंट पिक्चर, व्हेन ही थिंक्स अबाउट द स्पिरिट ही हैज अ डिफरेंट पिक्चर। वन प्लस वन प्लस वन थ्री होता है, वन नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।